विधिवत पूजा अर्चना के बाद रेलवे लाइन पर बने 7 टनलों के फिनिशिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है। भारत सरकार की महत्वपूर्ण रेलवे लाइन भानुपल्ली बिलासपुर बेरी रेलवे लाइन पर 7 टनल का काम पूरा हो गया है। अगली स्टेज में अब इन 7 टनलों को फिनिशिंग देने का काम शुरू होगा, जिसके लिए मटेरियल और समय की जरूरत होगी। इसके साथ साथ टनलों की बनावट का भी ध्यान रखा जाएगा और ये सारा काम आज से शुरू हो रहा है, जिसके लिए समस्त कार्य की पूजा अर्चना के बाद ही विधिवत कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। एक एक करके इन टनलों का कार्य पूरा किया जाएगा और आज सबसे छोटी टनल नंबर 6 से ये कार्य शुरू किया जा रहा है। कंपनी अधिकारियों का कहना है कि 7 टनलों का समस्त कार्य इस साल के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है। नैना देवी तक रेलवे लाइन पहुंचाने के जवाब में कंपनी अधिकारियों ने कहा कि नैना देवी के साथ लगते दो रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें एक थूल और दूसरा धरोट में होगा। भानुपल्ली बिलासपुर बेरी नई रेल लाइन प्रोजेक्ट पे हमने 7 टनल का काम शुरू किया था और 7 टनल में हमने आर पार, जिसको हम ब्रेक थ्रू कहते हैं, अचीव कर लिया। अब स्टेज है उसको आगे फिनिशिंग देने की। फिनिशिंग में बहुत प्रिसीजन वाला काम चाहिए होता है, ट्रैक लेइंग इन्वॉल्व है, ज्योमेट्री का ध्यान रखना है और ये काम आज से प्लान किया गया है, जिसका विधिवत शुरुआत की जा रही है। एक एक टनल करके हम लोग ये शुरू करेंगे। आज सबसे पहले हम सबसे छोटी टनल में शुरू कर रहे हैं, टनल नंबर 6 में। सर कब तक इसका सर कार्य पूर्ण हो सकेगा? सर इन टनल्स में हम लोगों ने इस साल के एंड तक ख़त्म करना है इसको, ये हमारा एक टारगेट रखा है हमने अपने लिए। सर नैना देवी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, तो यहाँ किस रोड से जुड़ जाएगा, कहाँ से जुड़ जाएगा नैना देवी को रेलवे से? जी हाँ, नैना देवी जी के फुट हिल पे हम चरणों के नीचे हम लोग इस रेलवे लाइन से जा रहे हैं और नैना देवी जी मंदिर के नज़दीक हमारे 2 स्टेशन रहेंगे, एक धरोट और दूसरा थलू। तो दोनों से ही भानुपल्ली बिलासपुर बेरी नई रेल लाइन प्रोजेक्ट पे हमने 7 टनल का काम शुरू किया था और 7 टनल में हमने आर पार, जिसको हम ब्रेक थ्रू कहते हैं, अचीव कर लिया। अब स्टेज है उसको आगे फिनिशिंग देने की। फिनिशिंग में बहुत प्रिसीजन वाला काम चाहिए होता है, ट्रैक लेइंग इन्वॉल्व है, ज्योमेट्री का ध्यान रखना है और ये काम आज से प्लान किया गया है, जिसका लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नैना देवी से सुभाष चंदेल की रिपोर्ट।